subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम, मैं शेफ फैसल तानी सुपरा कुकिंग शो में सब खैरियत से हूँ। मज़ेदार रेसिपीज तेज खी इंदा रमजान की काफ़ी सारी वैरायटी तक ठाण सेखारी अज भी ठाकुर पे आलू जहा समोसा उनकी फरमाइश भी हुई है मेन्यू में भी असाजे है। एक ठाईंदा बोटी समोसा रोल, वो बोटी होंगी चिकन की बारबिक्यू स्टाइल की, उनके पट्टी में वेड़े इनके फ्राई कबो। बोटी समोसा रोल ठाकुर पे आलू जहा समोसा ठाकुर पे करछी जामी श्री से गड है, कुदरती अज्जा से तैयार थियल है। सौ फीसद खालिज जामी श्री में ब फ्लेवर है, जैमें इलायची जो शरबत भी है ग्रीन कलर में, गाढ़े कलर में है गुलाब जो शरबत, इनके डिफरेंट तरीके से ठाई सोता। स्प्रिंगले जो पानी है, करछी जो मिनरल वाटर, यो भी मार्केट में अवेलेबल है। एनएक्स असा सा गड है, जूसर ब्लेंडर चॉपर हर जी तू यूज क्या। रेसिपी सुबह 12 बजे रिपीट हलंदी, स्क्रीन पर नंबर हल पो, का भी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछो पूछी सो। तो आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं मज़ेदार रेसिपी है समोसे आलू के बना रहा हूँ, जो बेकरी से हम जाके लेके आते हैं वही। और एक बन रहा है बोटी समोसा रोल, यानी बोटी को हम रोल करके समोसे स्टाइल में रोल स्टाइल में बनाएंगे। मज़ेदार दोनों रेसिपीज कल 12 बजे रिपीट चलेंगी, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कोई भी फरमाइश करनी हो कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। किचन में चलेंगे, रेसिपी करेंगे स्टार्ट। समोसों की डो हमने पहले से बना के रखी हुई है, ठीक है। समोसे की डो पहले से क्या बनाई हुई है वो मैं बता देता हूँ। समोसे जी एक तो होंगी है मांदा पट्टी, जो असा ठाईंदा वो अलग से होंगी है, जैमें कीमे जा चिकन जा समोसा ये सब असा ठाईंदा, ठीक है। ये समोसा क्या है, ये आलू जा समोसा जो तुम बारह का वठंदा उनको अटो अलग गोएबो है, ठीक है। आलू के समोसे के लिए हमने यहाँ पे डो बनाई हुई है। ये मैदा है, 2 कप मैदा ले लेना है मेजरमेंट करके, ठीक है। इसमें अजवाइन डालेंगे आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय के चम्मच से थोड़ा कम, और 3 खाने के चम्मच बनस्पति घी डाला। आटे को मिक्स किया इन तीनों चीज़ों को, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त आटा गूंदना है, और इसको आधा घंटा अपने कवर करके रख देना है, ठीक है। हिते मैदो खयो, मैदे के छाणे वट जो अध 2 कप मैदो, ठीक है। इनमें 12 समोसा ठंदा इन 2 कप मैदे में, अगर 6 समोसा ठाणा होजन तो 1.5 कप मैदो खण जो 1.25 कप, ठीक है। 2 कप मैदो खयो, इनमें अजवाइन विझंदी अध चाय जो चमचो, लूण अध चाय जे चमचे का घट, और बनस्पति घी 3 खाने जा चमचा विझी टिन्हीं शयन के मिक्स कंदो। थोड़ो थोड़ो पानी विझी सख्त अटो गोईंदो, अटे के गोई चंगी तरह सख्त हुजन खपे, जी ही नजर जब नरम पतरो ना होजे, ठीक है। उनका इनके कवर कंदो, अध कलाक इनके कवर करे ता छड़ी वठंदो, ठीक है। आधा घंटा आपने कवर करके छोड़ देना है। इस क्वांटिटी में 12 समोसे बनेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा ली हुई क्योंकि इसमें हम बोटी रोल भी बना रहे हैं, तो 6 समोसे बनाएंगे, 6 बोटी रोल बनाएंगे। अगर आपने सिर्फ 6 समोसे बनाने तो 1 से 1.25 कप आपने मैदा लेना है, थोड़ा सा उसमें नमक डालना है, और अजवाइन आधा चाय के चम्मच से भी कम 1/4 टीस्पून डालनी है, और उसके बाद आपने घी 1.5 खाने का चम्मच डाल के उसको मिक्स करके सेम तरीके से बनाना है, ठीक है। आलू इतने बॉयल थे लेन, आलू 1.5 पा 1 पा जितना तांके खपन वो तां खणी वठंदो, ठीक है। आलू है सभी का पहले चिकन की मैरिनेशन करे वठूँ, ताकि चिकन जी असाजी इनके मैरिनेट करे, इनके चाड़े तो छूँ, ये तैयार थी इनके थदो कंदी जेस तक पट्टियों ठाईंदी, ठीक है। चिकन हमने लेनी 1 से 1.5 पाव, ये बोटी समोसा रोल बनेगा, ये डिफरेंट है, डो सेम ही होती है इसकी भी, ठीक है। इसके लिए भी आपने सेम डो लेनी है और इसी तरह बनाना है। 1 सीने का 1/2 पीस ले लिया है, इसमें से काफ़ी सारी बोटियाँ बन जाती है, इस तरह चौकोर बोटियाँ बनानी है, ठीक है। इसमें हमने डालनी है चीज़ें, इसको मैरिनेट करते हैं, बल्कि इसी में ही कर लेते हैं। मसाले इसमें जाएंगे सभी का पहले, इनमें विझंदा सी अदरक थूम जो पेस्ट घणो, 1 चाय जो चमचो अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला साशे में भी मिल जाता है, बॉक्स डब्बा भी मिलता है इसका, किसी भी ब्रांड का ले लें। चिकन टिक्का मसाला 1, 2 और 3 चाय के चम्मच चिकन टिक्का मसाला डाल दिया, ठीक है। चिकन टिक्का मसालो मिली वो मार्केट में के भी ब्रांड जो वी वो साशे भी मिलन पे, उनमें 3 चाय जा चमचा चिकन टिक्का मसाला, 1 का 1.5 पा जितो गोश्त हो चिकन जो सीने जो उनकी बूटियों करी छड़ी हुई, अदरक थूम जो पेस्ट 1 चाय जो चमचो, हाँ इनमें विझंदी लेमन जूस 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 चाय के चम्मच लेमन जूस डाल दिया, और इसको आपने आधा घंटा रखना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता तो मैं इसे डायरेक्ट बनाऊंगा, आप आधा घंटा इसको मैरिनेट करेंगी ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, ठीक है। 6 से 7 चाय के चम्मच लेमन का जूस डाल दिया। इसके बाद हम लेंगे एक कढ़ाई या फ्राइंग पैन ले लेते हैं, ठीक है। फ्राइंग पैन में इसको हमने करना है फ्राई,
डाल देंगे डायरेक्ट इसी तरह, और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल, नहीं रखा कुकिंग ऑयल ले लेंगे, कढ़ाई में से ही ले लेते हैं फिलहाल ना, ठीक है। कुकिंग ऑयल इसमें कितना जाएगा, कुकिंग ऑयल हम डालेंगे 3 खाने के चम्मच, मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ, 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसको करेंगे स्टर फ्राई अच्छी तरह, ठीक है। चिकन ही जो टाइप हो रोल कड़ो टाइप हो, चिकन टिक्का मसाले में बोटी रोल टाइप है, बोटी समोसा रोल, ठीक है। बोटी समोसा रोल बन रहा है, ये ऑयल यहाँ रख देते हैं, इसको भी गर्म करेंगे समोसों के लिए। और इसको हम फ्राई करेंगे 4-5 मिनट, ये फ्राई होगी क्योंकि फिर ऑयल में भी जाएगी तो ज़्यादा फ्राई हो जाएगी। और इसके लिए स्केवर हमें चाहिए होंगे इस तरह के, हे डिसो हे डंडियो मिली वेंदियूं आहिनि मार्केट में, अगर ये 9 टूथपिक सा भी करे सको था, ठीक है। इस तरह के स्केवर मिल जाते हैं, ये शाशलिक के लिए यूज़ करते हैं, हे रिकार्ड, ठीक है। और ये स्केवर जब मिल जाए, अगर ना मिले तो आप टूथपिक भी ले सकते हैं, ठीक है। इनके फ्राई कंदासी चंगी तरह जो पानी खुश्क थी बने, इसको 3-4 मिनट तक फ्राई करेंगे जी। कॉल बैठू था, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह जो शुक्र है, कह रहे हैं कितना गला पिया जी, अनम वाले सलाम, कुछ चैन चाहिए मसाला इसके साथ बिल्कुल पक जाए, ठीक है। इसको फ्राई इतना करना है कि मसाला इसके साथ पक जाए, इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं ताकि अच्छा सा आपका मसाला बन जाएगा, फिर इसको ठंडा करेंगे। तब तक हम क्या करेंगे, आलू के जो पीसेस हैं इसको मोटा मोटा इस तरह तोड़ना है, ठीक है। मोटा मोटा पीसेस करना है, सफ़ा मैश ना करो, डेढ़ पा पटाटा बॉयल थियल छिले या क्यूब्स कटे इनके बॉयल करी वर्जो, ठीक है। डेढ़ पाव आलू छील के इसके क्यूब्स बना के इसको आपने बॉयल कर देना है, और इस तरह मोटे मोटे थोड़े चंक्स होने चाहिए, बिल्कुल मैश नहीं होना चाहिए क्योंकि आलू का जो मसाला होता है बिल्कुल मैश नहीं होता है। इस तरह पीसेस कर लें, बोटी हमारी फ्राई हो रही है। बोनलेस जो चिकन होती है उसका टाइम पकाने का होता है 7-8 मिनट में तैयार हो जाती है, और वैसे भी ये रोल में जाएगी तो उसमें भी ये फ्राई होगी डीप फ्राई, तो फिर ये जी। कॉल बैठू था, अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी जी फैसल गलाए पे हो जी, अदा फैसल ये इसके रिश्ते पे हमारे वाला थैंक यू मेहरबानी जी, अदा जी कुछ चेंज चाहिए दो मेहरबानी को, फरमाइश है कुछ पूछणो है तांके जी, अदा कुछ पूछणो है, कुछ फरमाइश करनी है, दही भला था मुँह पहले रमजान ते अदी ठाया हुआ हाँ मुझे पेश ते दिसी वर्जो, बाकी परी इंशाल्लाह दही फुल्की उठाइंदा सी ट्रे के समझू ता परी पो दही फुल्की दिसी वर्जो, ठीक है। हेलो ठीक है, पंजो ख्याल रख दो, अल्लाह हाफिज। ये देखिए रोटी हमारी होगी तैयार, इसको उतार देते हैं, ये देखो इसको अब ठंडा करना है, ठीक है। इनके था दो गंदा सी मसाला सड़े, तो ये देखिए अब इसको ठंडा करेंगे, जब भी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो फिर इसको हम रोल में लपेटेंगे, ठीक है। इन जो तरीके का डाडो डिफरेंट है, मज़ेदार है, ऐं हाणे छा कंदासीं, हाणे असां पटाटनि जी तयारी कयूं था, आलू जा समोसा इसको अच्छी तरह तोड़ लें, फिर इसमें हमने चीज़ें मिलाना शुरू करनी है, ठीक है। डेढ़ पाव एक पाव आलू, 6 समोसों के लिए 1 पाव से 1.5 पाव आलू काफ़ी होता है। कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फैसल? अल्लाह का शुक्र है, कौन हो कहाँ से बात कर रहे हैं? शहाना बात कर रही हूँ कराची से जी, कुछ कहना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ने स्पेशली आपकी तारीफ की है केले की चाट के लिए, थैंक यू। आपने ट्राई की थी? बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी बनी थी। कौन सी क्रीमी वाली बनाई थी आपने? नहीं आपने केले की चाट जो लीमू के साथ बनाई थी, जी जी केले की चाट के साथ, जी 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 वो बहुत अच्छी बनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया,
और अगर कोई और चाट बता सके, आजकल फ्रूट कम है, महंगे हैं, तो अगर कोई और चाट बता सके। इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, तरबूज की चाट है, खरबूजे की चाट है, एक दो दिन में ये सारी बनाऊंगा। जो जो फ्रूट्स अवेलेबल है ना अभी, उन्हीं की चाट्स बनाऊंगा, क्योंकि अभी फ्रूट्स आ भी नहीं रहे और महंगे भी बहुत ज्यादा हुए हैं। जी जी जी, इंशाल्लाह। गुलत्ती का आता गुलत्ती, इंशाल्लाह मैंने कहा था ना 15 रमजान थोड़ा आ जाए तो फिर मीठे बनाना शुरू करेंगे, तो उस हिसाब से फिर बनाऊंगा। ठीक है, फसल खुश रहिए, अल्लाह आसानियां पैदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। अच्छा, इसमें हमने डालना है हरा धनिया हाफ कप जितना, और इसमें 2 अदद हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई, सावा दाणा अद कप जितना बारीक कटिंग थे, 2 अदद सावा मिर्च भी चढ़िया। ठीक है, 2 अदद हरी मिर्च और हाफ कप हरा धनिया डाल दिया। अब हम इसमें मसाले डालने शुरू करेंगे। इसमें जाएगा चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबित धनिया कुटा हुआ भर के 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच और हल्दी पाउडर 1/2 चाय के चम्मच से कम। छाछा विधवा इनमें सावा धाणा 1 कप का 1.5 पाव जितना पटाटा हुआ बॉयल करे हथ सा मोटा मोटा पीसिस करे छो, जी आलू जो समोसन में होंदा, 1/2 कप सावा धाणा अध कप सावा धाणा बारीक कटिंग करे, उन सा गड 2 अदद सावा मिर्च बारीक कटिंग करे विझंदो, लूण 1/2 चाय के चमचे जितो विझंदो, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय के चमचो, हेड 1/2 चाय के चमचे का घट, चाट मसालो 1 चाय के चमचो, अछो जीरो 1 चाय के चमचो, साबित धाणा थोड़ा कुटे विझो 1 चाय के चमचो। ठीक है, ये सब शयूँ विझण का पोइ में विझंदी लीमे जो रस 2 चाय के चमचा, 2 चाय के चम्मच अब लेमन का जूस डाल दिया, और इसमें प्याज जाएगा 1 छोटा प्याज मीडियम, वो थोड़ा सा सौते करके डालेंगे। कॉल बटू था, अस्सलाम वालेकुम। फैसल बाबू सारे ना इन खाने वॉल्यूम तो बताया, वो कितनी आवाज ना पीछे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी जो वॉल्यूम बंद कर छड़ो, पहले मेहरबानी करे। टीवी बंद कर दी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाव फैसला सारे ना डायरी खा मोकली दा खाण पीण वाले जे जो लिखल हुंदो आ। अदी मके समझ ना पेचे, वरी बुदायो छापे छो। जी भाऊ, असा दे डायरी मोकली दा विच को लिखल हुंदो आ, इया तफसील सा पचायो है इया। अदी मुजो इया डायरी त न था मोकली सकू, मुजो पेज तेला फेसबुक ते कुकिंग विद शेफ फैसल, हुते 2,500 रेसिपीज हैं, हुता दिसी वठो। ठीक आ जी, ओके दी, थैंक यू, लाफस। यहाँ पे हमने लेना है ऑयल अगेन, कितना 2 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं, इसी में से ले रहा हूँ 2 खाने के चम्मच ऑयल। इसमें प्याज को सिर्फ नरम करना है, मीन्स के पकाना नहीं है, प्याज को हल्का सा सौते करना है। ठीक है, और उसके बाद ये मसाला इसके अंदर मिक्स करेंगे। छोटा एक प्याज ले लें ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ, इस प्याज को हल्का सा इसमें सौते करेंगे। ये आलू का समोसों का मसाला, ठीक है, रिपीट करा रहा हूँ रेसिपी। आलू लेने 1.5 पाव क्यूब्स करके बॉयल कर लें, निकाल के पानी से उसको फिर ठंडा करके थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े जैसे होते हैं आलू के समोसों में, उस तरह कर लें। उसके बाद हरा धनिया 1/2 गट्ठी डाल दें बारीक, 1/2 कप बारीक कटिंग करके डाल दें, 2 अदद हरी मिर्चें बारीक कटिंग करके डाल दें, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय के चम्मच से कम, नमक 1/2 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, साबित धनिया कुटा हुआ कूट के डालिएगा, मोटा मोटा कूटे का, बहुत पाउडर नहीं बनाना है, 1 चाय का चम्मच भर के डालेंगे, और ज़ीरा सफ़ेद 1 चाय का चम्मच डाल के, और लेमन जूस 2 चाय के चम्मच डाल के सब चीज़ें मिक्स कर देंगे। इसके बाद 2 खाने के चम्मच ऑयल गरम किया, 1 छोटा प्याज ऑमलेट की तरह चॉप करके डाला, प्याज थोड़ा सा खुशबू आने लगेगी, नरम हो गया। उसके बाद ये आलू का मसाला इसमें डाल देंगे। ठीक है, पटाटा खाया ही आलू जो समोसा ठंड पिया इंजेला पटाटा खड़ो 1.5 पाव बॉयल का जो बॉयल करे नंढा नंढा पीसिस के छो जी समोसन के अंदर होंदा, उनमें सावा धाणा 1/2 कप जितना विझो। ठीक है, 2 अदद सावा मिर्च कटिंग करे विझो, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय के चमचो, हेड 1/2 चाय के चमचे का घट, चाट मसालो 1 चाय के चमचो, लूण 1/2 चाय के चमचो, अछो जीरो 1 चाय के चमचो, और साबित धाणा कुटे विझो 1 चाय के चमचो, लीमे जो रस 2 चाय के चमचो विझे मिक्स कजो, ऑयल गरम कजो 2 खाने के चमचा, उनमें बसर के हल्को सो गुलाबी वधिक न कजो, हल्को सो उनमें मिक्स कजो, होने का पो पटाटे में मसालों विझी मिक्स करे कटी वट जो, बस ये हो गया आलू का मसाला। ठीक है, अगर ज़्यादा येलो कलर देना है तो हल्दी बढ़ा सकते हैं, वरना बिल्कुल ये परफेक्ट है मसाला। ठीक है, अगर ज़्यादा कलर देना है तो इनमें हेड थोड़ी 1/2 चाय के चमचों करे सको था, लेकिन ज़रूरत ना है, बिल्कुल सही नॉर्मल ही मसालों देना। ठीक है, हाँ इनके थदो कर रखूँ था, जैसे थदो थो तो असिड़ी चटनी भी ठाईंदी, जो आलू के समोसन से गड दही वाली मसाले वाली चटनी मिली वो भी ठंडी, हे जैसे थदो थो हाँ
ठाहियूं था पट्टियों, ठीक है ये हटा देते हैं। अब हमने समोसों की पट्टियाँ बनानी है, ठीक है। समोसों की पट्टियाँ कैसे बनेंगी, उसके लिए जो मैदा हमने लिया था ये रहा, ठीक है। मैदो किए खाए वरी बुधाई तो चला, मैदे में छाछा विधल हो, ब कप मैदो आए, अध चाय जो चमचो अजवाइन आए, अध चाय जो चमचो लूण आए, टे खाने जो चमचा घी विझो, ऑयल न विझो, घी विझो, मिक्स कजो, पानी से सख्त अटो गोई अध कलाक रखो, अध कलाक का पोइ कढ़ी वो खुशको इतने रखासी, वेलण रखासी पान से गुड पट्टी वेलंदी, ठीक है। ये हो गया हमारा आटा। अच्छा इतनी क्वांटिटी में आप 12 समोसे बनेंगे, ठीक है। और अगर आप कम जैसे 6 समोसे बनाना चाहें तो 1 से 1.25 कप आपने ले लेना है आटा, ठीक है। थोड़ा खुशका मैंने इसलिए लिया ताकि हाथ पे चिपके ना। इसके रोल बनाते हैं और इसमें से 6 रोटियों का बनाएंगे, 6 में उस 3 में करूँगा रोल उसमें यूज़ करूँगा और 3 के मैं समोसे बनाऊँगा, यानी 1 रोटी के 6 समोसे बनेंगे, और सॉरी 3 रोटियों से 6 समोसे बनेंगे। इसके 6 पीस कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये हो गया 6, 1, 2, बस इस आटे के 6 पेड़े बनेंगे, ठीक है, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये हो गया। अब हम बेलन लेते हैं, इसके बॉल्स बनाते हैं जैसे हम पेड़े बनाते हैं, ठीक है, उसी तरह इसके बॉल्स बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट करके। जो बॉल्स ठंडा जी मानी ठंडी है, नंडा होजन खपन, ठीक है। समोसा नं इलाही वड़ा न था, न तो वड़ा समोसा ठही विंदा हद का ज्यादा, समोसन जी जो स्टैंडर्ड साइज हुंदी है उन्हीं टाइप जा बॉल ठान खपन। 6 आपने बॉल लेने, अगर इसमें मुझे ज्यादा लग रहा है तो मैं इसमें से कम करूंगा, बिल्कुल इक्वल साइज के आपने 6 वो बनाने बॉल्स, ठीक है। अच्छी तरह इसको रोल करें, जो आपको कम ज्यादा लग रहा होगा उसमें से आपने आटा ले लेना, ठीक है। कल हम बनाएंगे चिकन के पकोड़े और उसके साथ कोई एक और डिश भी है, और परसों फिर इंशाल्लाह 3 किस्म की दही फुल्कियाँ बनाएंगे, ठीक है। एक बनेगी हैदराबादी दही फुल्की, बड़ी मज़ेदार बनती है, एक हम बनाएंगे मीठी दही फुल्की और एक हम बनाएंगे हरे मसाले में दही फुल्की। फिर उसके बाद नया मेन्यू है वो फिर मैं बता दूंगा, उस पेज पर मैंशन कर दूँगा और यहाँ पर, ठीक है। हे असांजा समोसन जी बॉल्स हाँ वेलण खणंदी, और पानी भी हमने रखना है साथ, एक बॉल में पानी ले लेते हैं, बल्कि इसमें ले लेते हैं, पानी लगेगा समोसों की जो बाइंडिंग करते हैं पानी से करते हैं, ठीक है। आलू जो समोसा जो बंद कंदा इन तो उनके पानी से बंद कंदा इन, उनमें अंडो वगैरह कुछ भी ना लगता है। थोड़ा थोड़ा खुशका लगाएंगे और इसकी हमने रोटी बना लेनी है, और आलू की जो समोसे की रोटी होती है उसको लंबाई में बेला जाता है, ठीक है। पलट के इनके थोड़ो सो चौड़ो कंदासी वधिक ना, ठीक है, इनके लंबाई में थिंदो थोड़ा चौड़ा करके, और बाकी ओवल शेप में थोड़ा इसको बेलेंगे, ठीक है। और थोड़ा इस तरह भी आपने खोलना है, इसको सेट करें हाथ से, इसका शेप बिल्कुल सेट आपने खुद करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, बहुत ज़्यादा छोटे भी ना बने। अब इसको ये सेंटर इसका काटेंगे, ठीक है। इन्हें जो सेंटर कटिंग कंदासी ये देखें, इसका सेंटर काट के अलग कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा चौड़ा करें और हाथ से इस तरह चौड़ा हो जाएगा, अगर थोड़ा आपको पतला लग रहा है हाथ से थोड़ा चौड़ा कर दें, ये हो गया। अब इसको उठाएंगे हाथ में, लेकिन आलू मसाला हो गया, ये देखो हथ में खाओ, ठीक है। हंजे मथा लगाइंदी पानी, पूरे पे पानी लगाया, और अच्छा ब्रेक तो इतने रखा तो इसको यहीं छोड़ दिया मैंने, ब्रेक पे जा रहे, पूरा आपको तरीकेकार ब्रेक के बाद बताऊंगा, वरना अभी से मैंने बनाना शुरू किया आपको समझ नहीं आएंगे, बटूते भी शॉर्ट ब्रेक, ब्रेकअप हो चुके कंटिन्यू करना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेको रेसिपी टाइप है,
ठीक है। इसी तरह हमने आके इसको ओवल शेप में बनाना है, ठीक है। जैसे ओवल शेप में ठाए पे बस समोसा मुँह ठाई छड़े हैं, टाइम जी बचत लाए इनके हाफ कंधा सी अदमा, ठीक है। हाफ करने के बाद इसको आपने उठाया, जो कटिंग वाला हिस्सा है सामने रखें, उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पे पानी लगाया और ये कटिंग वाला हिस्सा इस तरह फोल्ड करना है और दूसरा वाला इसके ऊपर रखना है, ठीक है। हे नोक ठही बिंदी इनके बंद कर छो, वरी इनके ये पॉकेट ठाई छो, ठीक है। कटिंग वालों हिस्सों करे इनके अंदर मसालो विझंदासीं, चंगो खासो ॿ खाइण जे चमचन खां मथे मसालो हुजणु खपे। मसालो खणी हथ आला कंदासीं ऐं हिनखे वरी हिते पाणी हणंदासीं, फिर यहाँ पे पाणी लॻाएंगे और इस हिस्से को इहो मिलाना है। अगर इसमें पीस आ रहा है कोई इसको निकाल दें, इसको मिलाएं। मिलाने के बाद आपने अच्छी तरह इसको बंद करना है, ये पानी से ही बनेगा। ये देखें समोसे का शेप आ गया, ठीक है। ये हो गए तीन समोसे। इसके बाद दोबारा हिकड़ो वरी दिखार जो ही देख, ये जो कटिंग वारो हिस्सो है पहिरीं जे मथां लॻाईंदासीं पाणी हथ में खणी, ठीक आहे। चङी तरह हिनखे पाणी लॻायो, कटिंग वारे हिसे खे हितां फोल्ड कंदो, वरी हितां फोल्ड कंदो हिक ॿिए जे मथां। हे फोल्ड करे हे चङी तरह बंदि थियो, हिन तरीक़े सां खणी वठो। ये देखें ये पॉकेट बन गया। कटिंग वाले हिसे को आपने फोल्ड करना है, ठीक है, राउंड वाले को नहीं करना है। इसके अंदर मसाला भरेंगे। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। केरे किथां ॻाल्हायो पिया? हेलो हेलो। इसको अच्छी तरह हमने फोल्ड कर दिया। ऑयल का टेम्परेचर चेक करते हैं, गर्म हो जाएगा, साथ साथ समोसे हम फ्राई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। मां एक मानी मां ब समोसा ठाया तो टे मानियूं खणंदासीं, यानी एक कप अगर छह समोसा ठाहिणा तो एक कप मैदो खणंदो, ठीक है। उनमें अध चाय के चमचे का घट अजवाइन विझो, इनके भी ओवल शेप में खुश्का लगाते जाएं, ओवल शेप में इसको बेलना शुरू कर दें। इस तरह पलटाएं, चौड़ाई भी रखनी है, ठीक है, सिर्फ पतला नहीं होना चाहिए, ओवल शेप में चौड़ाई के साथ इसको अपने बेलना है। ये करके फिर इसको कटिंग करें, थोड़ा फैला के थोड़ो सो पीस विझी ॾिसंदा थी हिनजे अंदर मानी जो, ख़बर पइजी वेंदी टेम्परेचर जो, ठीक है। छोटा सा पीस ले लें मैदे का, वो डाल दें तो उससे टेम्परेचर पता चल जाएगा ऑयल का। ये कटिंग किया, अलग किया, दोबारा बता रहा हूँ, ये हिस्सा ऐसे रखा, ये जो सीधी कटिंग हुई हुई इसको हमने फोल्ड करना है। जेका सीधी कटिंग थियल है विच वारी हिनखे फोल्ड कंदासीं, राउंड जेको आहे हिनखे फोल्ड न कबो, ठीक आहे। सॼे मथां जो पाणी लॻो, हाणे छा कंदासीं हिनखे हेठि रखी आराम सां, जो कटिंग वारो हिसो आहे हिकु ॿिए जे मथां रखी छॾिजो ऐं हिनखे हीअं नोक बंदि करे छॾिजो, वरी हीअं आराम सां हथ में खणिजो। हीअ पैकेट ठही वियो, ठीक है, पैकेट बन गया। इसमें आपने मसाला उठा के इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून जितना मसाला, बहुत आराम से अंदर फिक्स करना है ताकि मसाले से समोसा आपका टूटे ना। अगर कहीं से समोसा खुल रहा है तो उसको पानी लगा के बंद करें, ठीक है। और इसके किनारों पे पानी लगाया और ये किनारे इसके बंद कर दें, अच्छी तरह इसको पैक करें। देखिए समोसा हमारा हो गया आलू का तैयार, ठीक है। हिते टेम्परेचर ते अची वियो आहे, ऐं हिन में हाणे आलू जा समोसा, ऐं जॾहिं रखंदो त अगरि हीउ लॻे थो तव्हांखे चिंबड़े पियो या खुले पियो त हिनखे वरी पाणी सां बंदि करे छॾिजो, ठीकु आहे। इसको फिर पाणी सां आपने बंदि करणा आहे, टेम्परेचर पे रख के इसको सेट करके डालिएगा। बाज़ दफ़ा रखने से खुल भी जाते हैं, ठीक है, आप इतने एक्सपर्ट नहीं है तो वो फिर आपने खुद सेट करना है, ठीक है। और आटा नरम नहीं होना चाहिए, सख्त आटा होना चाहिए, अगर नरम होगा तो आपकी डो से समोसा टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा खुश्का लगा दें उस जगह पे अगर आपको लग रहा है कि चिपक ना जाए, टूट ना जाए थाल पे जहाँ भी रखेंगे। वरी खयो आखिरी समोसो, 6 थी विया असांजा समोसा, बाक़ी में असां पट्टियूं ठाहींदासीं रोल जो। ये हो गया, इसके कोने उठाए, जो कटिंग वाला हिस्सा है इसको यूँ किया नीचे, लेकिन चिपकना नहीं चाहिए, नीचे फिंगर्स रखनी वरना वो नीचे वाले हिस्से में चिपक जाएगा, ठीक है, खोल नहीं सकेंगे अपन। ये हो गया आलू का समोसा उठाए, बहुत एहतियात है कि ये खुले ना पॉकेट, ठीक है, बंद ना हो। कॉल बैठू था, अस्सलाम वालेकुम। जी कह रहे हैं कितना गलाओ प्या फैसल भाई, मुझे आपकी बुक अगर आई है तो मुझे बता, मुझे बुक की जरूरत थी। नहीं बुक नहीं है मेरी बहन, हमारी कोई बुक नहीं है, पेज बना हुआ है मेरा, वो भी मेरी बुक है, वहाँ पे आप देख लें, बहुत सारी वहाँ पे रेसिपीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और बुक से कोई फायदा भी नहीं होता, बुक लोग लाइक करते हैं बोलते हैं, लेकिन बुक पता है क्या है,
कितनी रेसिपीज होंगी? 20 होंगी, 25 होंगी, इससे ज़्यादा 40 होंगी और तो नहीं होंगी उसमें। फिर वो जब नया एडिशन आए, वो भी 6 महीने साल में आएगा, तो पेज ज़्यादा बेहतर है, उस पर 2000 से ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, ठीक है। और रजिस्टर आप बना लें, बुक से बेहतर है आप अपने लिए रजिस्टर बना लें, जो जो बताता जाता हूँ लिखते जाएँ, ऊपर हेडिंग डाल के नाम लिख लें जो भी रेसिपी है, और उसमें आप अपनी मर्ज़ी से एडिशन कर सकती हैं, ठीक है। इसको देखें फ्राई करना है, और ये फ्राई फ्लोटिंग करने लग गए पहले थोड़ी देर में, आंच तेज़ रखनी है, फिर इसको पलटाना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता करके, गोल्डन ब्राउन कलर आएगा, ठीक है। चारों तरफ से पलटाते रहेंगे, पकते रहेंगे। इसी दौरान हमने पट्टियाँ और भी बनानी, और फिर इसके बाद हम रोल बनाएंगे, ठीक है। अब रोल की पट्टी, चिकन हमारी ठंडी हो गई है तो रोल की पट्टी बनाएंगे। कॉल बट होता, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम। वालेकुम सलाम जी। मैं ये पूछ रही थी, आपने जो मैदा बनाया है ना, मैदे में क्या चीज डाली है? मैदे 2 कप मैदा था 12 समोसों के लिए, ठीक है। अगर 6 समोसे करने तो 1 से 1.25 कप मैदा करना है। 2 कप मैदे में आपने 1 चाय का चम्मच अजवाइन डालनी, 1/2 चाय का चम्मच नमक डालना है, ठीक है, और घी डालना है 3 खाने के चम्मच भर के, 3 से 4 खाने के चम्मच बस, और फिर इसको मिक्स करके पानी से सख्त आटा। 3 खाने के चम्मच क्या डालना है? बनस्पति घी। अच्छा अच्छा, बस और कोई चीज नहीं डाली है, ठीक है। फिर इसका आटा गूंदना है सख्त पानी से, आटा गूंद के, और 1/2 घंटा आपने छोड़ देना है, और उसके बाद आपने इसके समोसे बनाने। और अगर 6 समोसे बनाने तो 1/2 कप लीजिएगा, बहुत हो जाएगा उससे भी। जी मेहरबानी, बहुत अच्छा पुआ में आपका, बहुत थैंक यू वेरी मच, ठीक है। इसको पलटाने के लिए 1 स्पून रखते हैं, पलटाइंदा मन जो कढ़ाई नंढी आहे, वॾी कढ़ाई हुजे त वधीक बेस्ट हूंदी आहे, कढ़ाई वधीक हूंदी आहे वॾी त हुन में ई घुमाईंदा रहंदा आहिनि, आराम सां थींदो वेंदो, ठीक है। ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पे हम जब तक क्या करते हैं, चटनी बना देते हैं। समोसों की चटनी बनती है, ऑथेंटिक चटनी होती है। इसके लिए हमने लेना है जूसर ब्लेंडर। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। और माशाल्लाह आप वॉल्यूम बताए जो थे, आवाज ना पीछे मुखे। जी जी, जी रुखसाना दीदी, क्या कह रही हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो आप जो है, जो ये समोसे, ये थोड़ा सा राउंड वाले समोसे बना रहे हैं जी, अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि जब इसकी रोटी बनाते हैं तो इसको हम लोग बॉल कर देते हैं। अच्छा, तो आपने ये बहुत अच्छा बताया कि इसको ओवल किया जाए। ओवल में ये है कि फिर उसकी शेप आएगी, बिल्कुल वही जो समोसे वाले बनाते हैं ना, वो मैंने देखा ओवल शेप में उसकी वो करते हैं। अच्छा जी, क्योंकि अमूमन हम जितना करते हैं हमसे वो वाली शेप ही नहीं आती। हाँ, रोटी से ना वो शेप नहीं आती, इससे ओवल करने में इजीली, देखें आपके सामने कटिंग करके डायरेक्ट मैंने उसको बना दिया। जी जी जी, बहुत जबरदस्त, थैंक यू थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, इसको पलटाते जाएं, और जबरदस्त इसका गोल्डन कलर आ रहा है। चटनी बनाते हैं, 2 अदद हरी मिर्चें डाल दी, 1/2 गट्ठी हरा धनिया, 1/2 गट्ठी पुदीना, 1/2 गट्ठी सावा धाणा, 1/2 गट्ठी पुदनो, ठीक है, 2 अदद सावा मिर्च, लूण 1/2 चाय चमचे का घट, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय चमचो, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय के चम्मच से कम, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चम्मच, और चाट मसाला जाएगा 1 खाने का चम्मच, 1 खाइण जो चमचो चाट मसालो, 1 चाय जो चमचो अछो जीरो, 1 चाय जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च, 1/2 चाय जो चमचो लूण, ठीक है, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा, और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाल दिया चाट मसाला, 1/2 गट्ठी हरा धनिया, 1/2 गट्ठी पुदीना। ये हमारे 3 समोसे हो गए, इसको निकाल देते हैं, परफेक्ट बने, देखें आलू के समोसे, इसका शेप देखें, और इसके बाद बाकी जो 3 समोसे वो डाल देते हैं, फिर चटनी बनाते हैं, उसके बाद बोटी रोल बनाएंगे, ठीक है। ये उठाएं, शेप देखिएगा, अगर नरम पड़ रहे हैं रखने से तो उसको हाथ से सेट कर दें, डायरेक्ट ना डालें, ठीक है, कहीं से खुल ना रहा हो। अगर तांगे लगे तो कितना नरम थे पिया, चुल्लो थोड़ो घट गई था छू, टेम्परेचर जो ख्याल रखो, सड़ी ना वन हिंजे जो भी ख्याल रखो, ठीक है। हे असांजा समोसा ज़बरदस्त आलू जा, फ़ौरन इनमें चमचो ना हिलाए, वो ये देखें कितने परफेक्ट बने हैं, ठीक है, आलू के समोसे। और यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 1 पाव दही, 1 पाव या 1 कप कर लें, ठीक है, जितनी आपके पास हो दही, इसको चला लें। जी कॉल बटन था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फाइजा मीरपुर खास से बात कर रही हूँ। कहाँ से? मीरपुर खास से। मीरपुर खास से, जी कुछ कहना चाहेंगी?
आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत शौक से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम लोग है ना आपके समोसे देख के ट्राई कर रहे हैं, साथ में बना रहे हैं। यही वाले? जी बिल्कुल। ठीक है, बना के फिर बताइएगा। कोई फरमाइश करनी है, कुछ पूछना है अपने? मैंने ना रोल की फरमाइश करनी थी। ठीक है, रोल मैंने बनाना। चने की दाल के जो रोल होते हैं ना वो? अच्छा, चने की दाल के रोल। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, बना दूंगा आपको। ठीक है जी जी, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चटनी आप देख सकते हैं बना दी है। टेम्परेचर बिल्कुल इसका ख्याल रखना है, ऑयल का कि ज़्यादा वो ना हो जाए। ठीक है, अब इसको निकाल देते हैं प्लेटर में समोसों को, उसके बाद हम आते हैं बोटी रोल बनाते हैं। ठीक है, एक प्लेटर खड़ा था, इनमें आलू जा समोसा रखना से। ठीक है, बाकी हो भी कटी रहा हूँ। चलो मैं बंद किया पे, खाली लाई गर्म ना थी ऑयल। ये वाले भी निकाल दिए, आलू के समोसे 6 बने। ठीक है, अगर एक कप से 6 बनेंगे, मैंने आटा इसलिए ज़्यादा गूंदा, मैं बोटी रोल भी बना रहा हूँ, बोटी रोल समोसा। तो आपने जब अगर 6 बनाने तो 1 कप आपने ऑयल लेना है। ठीक है, ये हटा देते हैं। चटनी के होते रखूँ था आई समोसन के गर्म है, वो भी खड़ी था, काफ़ी गर्म है समोसे। इसको भी सेट करते हैं, टेबल पर ले जा कर रखते हैं, और उसके बाद हम आते हैं सेकेंड रेसिपी पे। ठीक है, ये हमारे आलू के समोसे हो गए तैयार, और इसके साथ की चटनी जो आलू के समोसों की चटनी होती है वो भी बन गई है साथ, वो भी आप देख सकते हैं। जी चटनी जी समोसन जी होंगी स्पेशल ठानी है, वो भी तक ठाण से खाने चाहिए। ठीक है, आई हाँ अचूत बोटी रोल थे। अब हम आते हैं बोटी रोल। बोटी रोल के लिए हमें क्या चाहिए? इसी तरह अगेन मैदा लेना है, ये पेड़ है थोड़ा सा खुशका। बोटियाँ हमने बना दी। बोटी के लिए क्या था? आधा सीना ले लिया। ठीक है, उसकी छोटी छोटी चकोर बोटियाँ बना ली, बहुत छोटी नहीं हो, बड़ी हो थोड़ी, जैसे गोश्त की बोटियाँ होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें मिलाना है मसाला 3 चाय के चम्मच भर के, ये आधा सीना था। ठीक है, 3 चाय के चम्मच आपने भर के इसमें डालना है चिकन टिक्का मसाला, 3 से 4 खाने के चम्मच लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। ठीक है, उसके बाद आपने इसको मैरिनेट करना है, आधा घंटा रखना है, और उसके बाद ही रिसो यानी कि नॉर्मल मानी जी वेल भी हैं उन्हें तरीके से वेल रखो। ठीक है, इसकी जो पट्टियाँ हैं नॉर्मल हमने बेलना है, और इसका तरीक़ेकार थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, इसको फिर हमने डाल देना है 3 खाने के चम्मच ऑयल के साथ, फ्राई करके निकाल देना है। ठीक है, ट्रे खाने 1.5 पा जितनी चिकन है, वड़ी बूटियों कटी वट जो, इनमें 1 चाय जो चमचो अदरक तुम जो पेस्ट, 1 चाय जो चमचो विद 3 चाय जो चमचा इनमें विधो ऐसा चिकन टिक्का मसालो आई है ना, इनमें लेमन जूस 4 खाने जो चमचा विझी मिक्स करें, इनके 2 खटे खाने जो चमचो ऑयल का सा फ्राई करें, इनके कटी छोड़ो मानी महीने के अगेन उन्हीं मसाले जी मानी उठाए इनके वेला पे कटिंग किया तो वटू तक शॉर्ट ब्रेक बेकअप अच्छी बोटी रोल ठाई। वेलकम बैक नाज़िम, ब्रेक ते वञणु खपे ई था साम्हूं जेका रेसिपी ठाही, समोसा तयार थी विया, चटनी तयार थी विया, हाणे हिते जेको रोल ठाहियूं पिया। ठीक है, रोल की मैंने पट्टियाँ कैसे काटी? रोटी बेल लें इसी की, आपने इसमें से 2-2 इंच की स्ट्रिप काटनी, 2 इंच फिंगर से हिसाब कर लें, 2-2 इंच की स्ट्रिप काट लें, लंबाई का कोई इशू नहीं, छोटी बड़ी हो जाए, अगर साइड की राउंड भी निकल रही है तो कोई बात नहीं, उसको स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं, इस तरह काट लें। ठीक है, ये स्ट्रिप्स निकल गई हैं इसकी, 3 रोटी से मैंने 9 स्ट्रिप्स निकाली हैं। ठीक है, जो एक ट्रे मानी हुई हूँ, जो 9 कप समझो मैदे में स्ट्रिप्स चाहिए, अगर आपको सिर्फ यही बनानी है तो 1 कप मैदा लेंगी, उसमें से आपने ये स्ट्रिप्स बनानी है। अब ये बोटी उठाई, बोटी को हमने इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, रोल के ऊपर रख देना है, पट्टी के ऊपर जो पट्टी बनाई है, और इसको आपने इस तरह रोल करते जाना है आराम आराम से। ये देखिए बोटी इसके अंदर आ गई, ये रोल हो गया। ठीक है, एक ही हो गया, फिर एक बोटी उठाई मसाले वाली, यूँ रखी बोटी ऐसे रखी। ठीक है, बोटी जो मथा रखो पट्टी वही है जो समोसन जी मसाला जो समोसन जो मिक्सचर है, ये इसे उठाया, ये रोल बन गया 2। उसके बाद एक एक बोटी ठंडी होनी चाहिए, गर्म बोटी होगी तो रोटी आपकी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसको मसाले के साथ ही उठाएं, इस तरह
घुमाते जाएं। कॉल उठूं तो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी वॉल्यूम बताइए जो थोड़ी आवाज घट पे। हेलो जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी, आपका वो प्रोग्राम बहुत अच्छा है बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नमकीन दही बड़े बनाना बताएंगे आप? दही बड़े तो मैं बना चुका हूँ फर्स्ट रमजान को, आप मेरे पेज पे देख लें, बड़े वाले जो दही बड़े होते हैं। ठीक है, अब मीठे दही बड़े रह गए और बाकी दही फुल्कियों की 3 रेसिपीज हैं, परसों बनेंगी। परसों बनेंगी जी, दही फुल्कियां बनाऊंगा परसों, 3 तरह की, एक मीठी, एक हैदराबादी और एक हरे मसाले में। जी परसों बनाएंगे बेटा? जी जी परसों इंशाल्लाह जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए सही है बेटा, आपका शो मेरे बच्चे भी बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा ये बोटियां उठाते जा रहा हूँ, इस तरह रोल पे लगाता जा, एक एक रोटी पे रख के। ठीक है, समझ अची वही होंगी पट्टी कड़ी है, जो समोसन की पट्टियों, समोसन जो जो अटो गोयल हो उन्हीं की पट्टी है। ठीक है, उन्हीं के मानी के वेले उनमें पट्टियों कटी वो 2 इंच चौड़ी, बाकी लंबाई जितनी होंगी उतनी रखो, नंडी वाली लंबाई थी को मसलो ना। ठीक है, लंबाई में कोई इशू नहीं है, छोटी बड़ी हो जाए तो इस तरह आप ये बना लें, जितनी बोटियाँ होंगी उस हिसाब से आपने पट्टियाँ काट लेनी है। और ये हो गई, बड़ी मजे की बनती है इस तरह के। जी इस्लामाबाद से कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, साल वाला खुशहाल सर। अल्लाह जो शुक्र है, तां बताओ छा हालन सर। दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, साहब तो गल आया सर इस्लामाबाद का। जी साईं, सर तां जो प्रोग्राम दाडो भलो फर्स्ट क्लास आ, ई रेसिपी रमजान जो जबरदस्त वंजन पयो। मेहरबानी, देखो ये एक विषय पूछनी ता का सर। बिल्कुल बिल्कुल पूछो। असा पकोड़ा खायूं दा, पकोड़ा में टेस्ट नथी रहे। पकोड़न में टेस्ट नथी रहे? ठीक है, पकोड़ा में हाने ठाइंदम एक बरियन में ता दिसजो। ठीक है, पकोड़न में बिल्कुल टेस्ट नथी थे, जो अंदरा कच्चा धारन। ठीक है साईं, मथे हफ्ते यानी ट्रेड बखा ट्रेड इन का पो मैं पकोड़ा ठाइंदस, बट के समझा ता पो ता दिसजो जन केडी केडी शई वठती दिवन। ठीक है, चलो ठीक है, ओके साईं, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा इसको इस तरह डालिएगा, लंबाई में यूं फ्लैट होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें इस तरह दो दो डाल दें स्कीवर, और अगर आपके पास स्कीवर नहीं है इस तरह के तो जो टूथपिक होती है उसमें एक एक बोटी डाल दें। ठीक है, ये बर्थी हुई हूँ, इनके भी जाना सी ऑयल में, ऑयल जो टेम्परेचर इलाई गर्म ना हो जाए, नॉर्मल हो जाए। ठीक है, दो दो डाल दें, जितनी बड़ी स्टिक होगी उस हिसाब से आपने बोटियाँ डालनी हैं, ये इस तरह। ठीक है, इसमें दो दो डाल रहा हूँ, इसके साथ चिली गार्लिक सॉस रख रहे हैं, इसके साथ चटनियाँ बना लें, खट्टी मीठी चटनी बना लें, जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चटनियाँ मैंने बहुत सारी बनाना सिखा भी दी हैं और इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। छन्नी कहाँ गई, इसको फौरन नहीं पलटाना, थोड़ा सा, और ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मल रखना है। ठीक है, ऑयल का टेम्परेचर जो ख्याल रख जो कि सड़े ना, इनके बिल्कुल आराम सा ना पलटाई दो। प्लेटर रखूँ था, टिशू जी शीट रखी छूँ जी, मैं बहुत ही खूबसूरत बनते हैं ये, और इसको आप मांदा पट्टी से ही बना सकते हैं। ठीक है, जो समोसों की पट्टी मिलती है, चिकन समोसे रोल की जो पट्टियाँ मिलती हैं उससे भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी से बनाएं। ठीक है, ये हो गया, और अगर ये नहीं चिपक रही आपको लग रहा है जैसे, तो इसको हल्का सा पानी लगा के फिर आप इसको चिपका दें तो ये चिपक जाएगी। ठीक है, समोसा बोटी रोल है ये। ठीक है, समोसा बोटी रोल दो दो डाल रहा हूँ, स्टिक में इतनी जगह नहीं हो, गैप देके आपने इसको डालना है। ठीक है, इसको भी पहले निकालते हैं, दो दो करके फ्राई करें ताकि आराम से फ्राई हो जाए, बहुत ज़्यादा स्पून नहीं चलाना है वरना ये टूट भी सकती हैं। ठीक है, पहले इनको क्रिस्पी होने दें, फ्लोटिंग करने लगें, फिर आप इसको निकालें। बिल्कुल आराम सा, एक बारी अकेली गया था इनके हिकड़ी में विजीता छोड़। जी कॉल बट होता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह जो शुक्र आदि कह रहे हैं, कितना गला पिया नजमा कराची मा। जी यदि छ हलन ता जो रोजा क्या पे हलन? माशाल्लाह रोजा पे रखो ता बारन के भी रखाई ता। हेलो, सो ठीक हाल है, को फरमाइश करनी है दी? फरमाइश है सागे चटनी से करे सागे, जेके भी ता चटनी हुंदी न मखे दादी वणदी वन मा ओए ठाइंदी पर अना वधी कोन में जातो कयो। हेलो ठीक है, इंशाल्लाह हाने रेसिपीज काफी सारी हन ता पो चटनी मा ठाइंदो विंदम गट गट। ठीक है, हेलो ठीक है, मैं कोशिश किया तो वधिक टाइम से खा रहे हैं। ठीक है दी, ओके अल्लाह हाफिज़। ये देखें बिल्कुल समोसे जैसे इसका कलर आएगा, अभी थोड़ा और आने दें। ठीक है, यहाँ पे हमने सलाद पत्ता रख देना है इसके साथ, और बस इसको हमने डिश आउट कर देना है।
बिल्कुल ईज़ी रेसिपी आ। सुभाणे ॾिसजो, सुभाणे जी रेसिपी मज़ेदार आहे। पकौड़ा ठाहींदासीं चिकन जा, ठीकु आहे? चिकन पकौड़ा कहिड़ा? अचारी चिकन पकौड़ा। कल हम बनाएंगे अचारी चिकन पकौड़े, बहुत ही मज़ेदार अचार के फ्लेवर। नाहिद खान की भी फरमाइश थी, मुझे मैसेज आया था उनका, तो मैं के पकौड़े चिकन के बनाने सिखाएँ। तो चिकन के कल दो वेराइटी बनाते हैं पकौड़ों की, एक बनाएंगे चिकन टिक्का पकौड़े, एक हम चिकन के दूसरे पकौड़े बनाएंगे वो दही में मैरिनेट करके, ठीक है? सुभाणे ॿ चिकन जा पकौड़ा ठाहींदासीं, मज़ेदार रेसिपीज़ आहिनि रमज़ान जे हिसाब सां। पोइ परीं ॾिसजो, दही फुलकियूं ठाहींदासीं साए मसाले में, दही सां गॾु, ऐं हैदराबादी दही फुलकी ॾाढी चटपटी मज़ेदार ठहंदी आहे, ऐं हुन सां गॾु हिकु मिठी दही फुलकी ठाहींदासीं, ठीकु आहे? एक मीठी दही फुलकी बनाएंगे, एक हैदराबादी दही फुलकी बनाएंगे, और एक हरे मसाले बनती रायते की तरह, बहुत ही मज़े की बनती है। देखें, ये हमारे बोटी रोल हो गए तैयार, इसको कहते हैं बोटी समोसा, बोटी समोसा। जी कॉल वटो था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। केरे किथां ॻाल्हायो पिया? वेलकम अदीस मादा जी। अदी कुझु चइणु चाहींदो? जलेबियूं त अदी रमज़ान में मुश्किल आहिनि, रमज़ान खां पोइ इनशाला ठाहींदासीं। बाक़ी मां हिकु महीनो पहिरीं ठाहियूं हुयूं जलेबियूं। अच्छा जी अदी। मैदो हूंदो आहे, मैदो हूंदो आहे, हुनजे अंदरि खमीर विझबो आहे, जो खमीर जो साशे मिलंदो आहे न पिज़्ज़ा जे लाइ, हुन सां ठहंदो आहे। जो खमीर ठाहिणो पए थो, ऐं जेका केचप जी बोतल मिलंदी आहे न नोज़ल वारी, हुन में विझी ठाहिबो। मां हिते ॿ टे दफ़ा ठाहियूं आहिनि जलेबियूं, रमज़ान में ॾिसां थो, कोशिशि कंदमि, मुश्किल आहे या त पोइ ईद खां पहिरीं कोशिशि कंदमि ठाहिणु सेखारे वठां, ठीकु आहे? तव्हां ट्राई कई हुई अदी? हलो ठीकु आहे, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, ठीकु आहे अदी? हमारे इसको कहते हैं बोटी समोसा रोल, ठीक है? मतलब ये समोसे की पट्टी भी है, समोसा भी है, रोल का शेप भी है, और इसके अंदर जब आप खाएंगे तो बारबेक्यू बोटी होगी, टिक्का बोटी इसके अंदर आपको मज़ा एक फ्लेवर देगा। टोमेटो के चप के साथ खा सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस के साथ खा सकते हैं, और चटनियाँ मैंने दो तीन किस्म की बनाई हैं, जी जी उसके साथ आप इसको खा सकते हैं, ठीक है? इनजे अंदरि तव्हांखे बूटी भी नज़र ईंदी हूंदी, ये मज़ेदार हमारी हो गई रेसिपी कंप्लीट। और रोल के शेप में है, बोटी है इसके अंदर, ये मैंने कम बनाई है, आप ज़्यादा बनाना चाहें, आधा किलो चिकन, एक किलो चिकन, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, ठीक है? अच्छे को भी पसंद आएगी इस तरह की रेसिपी। चटनी आपके सामने मैंने बनाई जो समोसों के साथ खाई जाती है, आलू के समोसों के साथ, और ये वाली बोटी के रोल, अगर ये पट्टी नहीं बना रहे तो आप मांदा पट्टी इसमें यूज़ कर लें, ठीक है? पोइ तव्हां मांदा पट्टी भी यूज़ करे सघो था इनजे अंदर, जेका समोसनि जी पट्टियूं मिलंदियूं हुनमें भी बूटी खे तव्हां करे सघो था, ठीक है? कल ये 12 बजे रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है, वहीं रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, तमाम रेसिपीज़ अपलोड हो जाएंगी, उसको सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है फेसबुक पे, उस पर लाइक करें, वहाँ रेसिपीज़ के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, कल की रेसिपी देखिएगा, मज़ेदार रेसिपी बनेगी। पंजो खोर सारो ख्याल रखो, इंशाल्लाह सुभाणे 12 वगे रिपीट हलंदो। कुकिंग विद शेफ ऐसा मुझे पेज है, उते रेसिपी अपलोड थी वेंदी, ऐं वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब ते। ऐं सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी पकौड़नि जी ॿ रेसिपीज़ हूंदी। पंहिंजो खोर सारो ख्याल रखिजो, दुआ में यादि रखिजो।
हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो डिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।